और G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली दुल्हन की तरह सजी है। देश के दिल की तस्वीर बदल चुकी है। भारत की संस्कृति की झलक खूबसूरत पेंटिंग और कलाकृति, सड़कें बेताब हैं इस्तकबाल के लिए। ये रंगी पुती दीवारें साफ कह रही है कि भारत मेहमान नवाजी में पीछे नहीं है। G20 से जुड़े प्रमुखों का आना शुरू हो चुका है, तो किस तरह से देश का दिल यानी कि दिल्ली तैयार है G20 शिखर सम्मेलन के लिए, देखते इस खास रिपोर्ट में। ये दिल्ली है मेरी जान, सज सवर के मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। दुल्हन की तरह सजी है दिल्ली, लाइटिंग से जगमगाती दिल्ली। देश के दिल की तस्वीर बदल चुकी है। भारत की संस्कृति की झलक खूबसूरत पेंटिंग और कलाकृति, सड़कें बेताब हैं इस्तकबाल के लिए। ये रंगी पुती दीवारें साफ कह रही हैं कि भारत मेहमान नवाजी में पीछे नहीं, हिंदुस्तान मेजबान है। G20 का हिंदुस्तान अध्यक्ष भी है। ये वही देश है जहां अतिथि देवो भव की भावना घर घर नजर आती है। 9 और 10 तारीख दिल्ली के इसी भारत मंडपम में G20 देशों के मुखिया बैठक करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को और मजबूत करेंगे। दिल्ली में G20 से जुड़े प्रमुखों का आना शुरू हो गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबु दिल्ली पहुंचने वाले पहले मेहमान बने। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल मौजूद थे। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, निर्माण जैसे मुद्दों पर बात होगी। दिल्ली में जगह जगह फाउंटेन लगाए गए हैं, या फिर G20 के मेहमान जहां जहां जा सकते हैं या उनकी नजर जा सकती है उसको खूबसूरत बना दिया गया है। जिन रास्तों से G20 के मेहमान गुजरेंगे उन सड़कों को संगमरमर की तरह चमका दिया गया है। आसपास की दीवारों को कलाकृतियों से रंग दिया गया है। इन कलाकृतियों में भारत की सभ्यता, आध्यात्म और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। मेहमानों के लिए 5 सितारा होटलों को खिदमत में लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत रंग मंडपम के अंदर बने स्टॉलों को भी भारत की प्रमुख नदियों के नाम पर रखा गया है, जो भारत की नदियों के प्रति और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता भी दर्शाती है।